वेलकम टू लर्न अबी, आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 संस्कृत का फाइनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है, कम्प्लीटली सॉल्व्ड। तो इसका जो PDF है आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं शेयर करती रहती हूँ। आप लोग एक दूसरे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे से भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप सारी क्लासेस के लिए अवेलेबल है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा। तो ये अपठित अवबोधनम है। तो एकदा गंगा तटे गोस्वामी परमेश्वरस्य नाम स्मरण कार्य मग्नः आसीद, तदा एकः भिक्षुकः अगतस्य भिक्षाम आचयत। तो एक बार गंगा तट पे गोस्वामी परमेश्वरस्य ना के जो थे, एक ऋषि थे, वो अपने काम में लगे हुए थे। वहाँ पर एक भिक्षु आए और भिक्षा मांगने लगे। गोस्वामी अवदत्त, गोस्वामी ने कहा, मम समीपे भिक्षा पात्रम विहाय किमपि नास्ति, परंतु अदय मया नद्या तीरे एकः मणि प्राप्तः स दूरे सक्तासु। तो देखो ये पूरा का पूरा हमारा पैराग्राफ है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। कस्य हृदय ज्ञानेदय जातः, तो किसके हृदय में ज्ञान जो है वो जागा, तो भिक्षुकस्य, ठीक है, भिक्षु के हृदय में। गोस्वामी कुत्र नाम स्मरण करोति स्म, तो गंगा के तट पर, है ना, गंगा के तट पर वो नाम स्मरण कर रहे थे। गोस्वामी ने मणि कुत्र स्तः, तो उन्होंने बताया था ना कि नदी में, नद्या। भिक्षक कहा भिक्षाम दातु, तो किससे मांग रहे थे, तो गोस्वामी जी से। पूर्ण उत्तर जो है इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के पास मैंने दिया हुआ है। अब इसमें आप लोगों को ऑप्शन टिक करना है, तो क जो है इसका ऑप्शन अ है। मैं आपको पूरे के पूरे ना सॉल्व्ड है ये दिखा देती हूँ, और आप लोग इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, ज़रूर इनको करके जाएगा अपने एग्ज़ाम में। तो ये सारे के सारे आंसर्स इनके अवेलेबल हैं। रचना कार्य है कि चित्र को देख करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो अस्मिन् चित्ते उद्यानमस्ति, इस चित्र में उद्यान है, एक गार्डन टाइप का बना हुआ है। उद्याने बालकः क्रीडन्ति, तो उद्यान जो है उसमें बच्चे खेल रहे हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान जो है उसमें पुष्प विकसित हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। उद्याने चित्र पतंगा, ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे हम लोगों को दिख रहे हैं चीज़ें खेलते हुए बच्चे वगैरह। उद्याने खगहा कूजन्ति, खगहा जो चिड़ियाँ हैं उनके कूजने की भी आवाज़ आ रही है, उड़ रही हैं वो। तो ये सारे के सारे इस तरीके से आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें आप लोगों को ये जो है मैच करके लिखने हैं, ठीक है। कुटुंब परिवार होता है, ठीक है, कष्ट दुख होता है, निखिले पूर्ण होता है, तो ये सारे के सारे इनके यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। अब इसमें आपको वचन बताने हैं, तो गति ही में प्रथमा विभक्ति और एक वचन, नीतिम में द्वितीय विभक्ति एक वचन, सुक्ते में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शांत्या में तृतीय विभक्ति एक वचन, मतिशु में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो अहम प्रातः पित्राह सह, तो किसके साथ, फादर के साथ जो है आप वॉक करने जाते हैं। बालाह आपणात भात्रे फलानी, ठीक है, तो यहाँ पे भात्रे आ जाएगा, और इसमें जो है वो कतरी ये वाला आ जाएगा, और इसमें पिता। जो डिफरेंट है वो आपको मार्क करना है इसमें। तो पत्र हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, और मित्राणी तो इंसान मतलब दोस्त के लिए यूज़ किया जाता है। जलचर जल में रहने वाले, खेचर भूचर और निशाचर, ठीक है, रात को चढ़ने वाले, और गांव सिंह और गजा तो कछपा, और इसमें मंडूका। इसमें फिर से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो एक बालिका, तो इसमें एक आ जाएगा, इसमें चतवारह, तैतानी और ददती। विलोम शब्द मिलाने हैं वो देख लीजिए, उन्नति अवनत, गगन पृथ्वी, सुंदर असुंदर, चित्वा विक्रिय, और दुखी सुखी, हर्ष शोक, ठीक है।
अब इसमें आपको श्लोक मिलाने हैं। तो विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, तो विद्या विहीन पशु। कयूराह ना विभूषंती परुषम, हारा ना चंद्रोज्वला। ठीक है, ना चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते वनित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। सत कारण, ठीक है, तो इसका जो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ वाला इधर से मैच हो जाएगा। अब फिर से यहाँ से हेल्प ले करके हम लोगों को आंसर करना है। वृक्षे का प्रतिवासति स्म, कौन? पुरा एकस्मिन वृक्षे एक चटका प्रतिवसति, तो चटका। चटकायाः नीडं कुत्र अपतत भुवि, चटकाः। खगस्य नाम किम? काष्ठकूटः। तो ये यहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हैं। पूर्ण वचन में उत्तर देना है, यहाँ पर आपके अवेलेबल है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट, तो समयन को क्या बोलेंगे? कालेन। अब इसमें हमें जो है प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कम, कस्याह, कस्य, का, के। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है प्रश्न निर्माण आपने करना है। अब इसमें आप लोगों को मैच द फॉलोइंग जो है वो करना है। तो कौटिल्येन अर्थशास्त्र रचनम, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतो का योगदान रहा है। शून्य आविष्कार किया है आर्यभट्ट ने। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, और सूक्तस्य, सूक्ति कौन सी है? अभ्युदाय प्रेयंती। अब ट्रू फॉल्स जो है वो बताना है, तो ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है, और ये दोनों ट्रू हैं, ये वाला ट्रू है और ये वाला भी ट्रू। आम इसमें गुरुम गुरवे, त्वम तव, ते ताह, और कंदुकात कंदु केन। तो ये हम लोगों का पूरा पेपर जो है वो हमने देख लिया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को कंप्लीट पूरा दिखा देती हूँ। सारे के सारे आंसर्स आप लोगों ने ध्यान से कर लेने हैं।